काशी में बाबा विश्वनाथ में बैठकर एक जप किया, एक तप किया। कुबेर की पत्नी है, धन संपदा वैभव होने के बाद भी पुत्र सुख के लिए आत्मा वीरेश्वर महादेव की कृपा। जो भी काशी पहुंचते हैं जाते हैं, जहां नौ सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, ये नौ के नौ ग्रह एक एक विग्रह स्थापित करके बैठे हैं। शिव विग्रह नवग्रहों के द्वारा बाबा के आज भी वो संस्थापित हैं, स्थापित हैं, पूजित हैं। एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आज एकादशी का ये पवित्र व्रत है और आज आपने यदि ये पवित्र व्रत किया है, व्रत का मतलब है ये संकल्प, ये एक अपने संकल्प लिया, आज हम भजन करेंगे, आज हम तीर्थाटन करेंगे, आज हम दीवाराधन करेंगे। श्रीमुखी ने इंद्र द्युम्न नाम के राजा को एक व्रत बतलाया, व्रत किया। संयोग कहिए, उस काल में पुत्र ने जन्म लिया। ज्योतिष आचार्य विद्वानों ने कहा ये पुत्र मूल में जन्म लिया है और ऐसे मूल हैं जो बहुत कष्टकारी, बहुत कष्ट। उन्होंने पुत्र को त्याग दिया, पर जिस पुत्र को उन्होंने प्राप्त किया था, जिस कामना से लेकर बाबा विश्वनाथ में, उसने तीन वरदान मांगे थे। पैदा होते ही, जन्मते ही 16 वर्ष का हो जाए, ये वरदान, ये श्रेष्ठता। आज आप कोई व्रत कर रहे होंगे तो उसका फल है, फल ना होता तो व्रत कैसे होता। हर एक क्रिया का, हर एक कर्म का फल है, छोटा हो या बड़ा, आपने जो भी कर्म किया है उस कर्म का फल जरूर होगा। कर्म रूपी वृक्ष में पाप और पुण्य रूपी फल लगते हैं। आज आपने क्या कर्म किया, सुबह प्रातः काल उठ करके अपनी इंद्रियों के द्वारा, लोगों ने कहा महाराज आज तो एकादशी है, तो एकादशी का मतलब क्या है? 11 के 11 एकादश भगवान में लगा दे। एकादशी का ही मतलब है पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, एक मन। आज ज्यादा माला फेरो, आज ज्यादा तुलसी की परिक्रमा करो, आज नारायण उपासना करो, आज महादेव उपासना करो, आज तीर्थों का सेवन करो, आज गंगा स्नान करो, आज यमुना स्नान करो, आज सरयू स्नान करो, आज ज्यादा से ज्यादा भजन करो, इसी का नाम एकादशी है। एकादशी से नहीं कहते महाराज एकादशी, और वो भी निर्जला, नाम है निर्जला। क्या सुबह उठते ही साबुदाने की खिचड़ी तैयार हो गई, दोपहर तक लोगों ने कहा कुछ मीठा हो जाए तो बोले खीर खा ले, शाम के फिर पकौड़े, फिर साबूदाना की खिचड़ी। बोलो ये एकादशी नहीं, ये दीपावली आ गई। और लोग कहते हैं महाराज आज तो एकादशी थी, आज तो कुछ खाया ही नहीं, छोड़ा क्या है। आज एकादशी के पवित्र दिन मेरे महादेव ने, इस तुलसी की बड़ी महिमा है, वृंदा की बड़ी महिमा है, आज घर घर में तुलसी है, घर घर में सालिग्राम है, इसलिए आपको एकादशी के पर्व पर ज्यादा तुलसी परिक्रमा करनी चाहिए।
आज के दिन जो तुलसी के नीचे दीपक जलाता है या बिल्व वृक्ष के नीचे दीपक जलाता है, उसे संपूर्ण तीर्थों में दीपक जलाने का जो फल होता है वो फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा। दीपक जलाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, शिव आराधना नारायण उपासना करनी चाहिए। बहुत पूर्व में भी हमने कई बार कहा और आज तो सबसे बड़ी एकादशी और कल भी है उदयातिथि। आज भी लोगों ने माना है और कल भी है, क्योंकि उदय काल की तिथि जो स्पर्श होती है उसको उदयातिथि कहते हैं। अब आज ये 8 बजे से यदि आरंभ होती है तो कल प्रातः काल 8 बजे होगी, ये हम बतला रहे हैं, ये फिक्स समय नहीं बतला रहे। तो आज सुबह सूर्य ने स्पर्श नहीं किया, सूर्य उदय होते समय जो तिथि का भोग होता है ना, तिथि का मिलन होता है, उसे उदया तिथि कहते हैं। एक सिद्धांत कहता हम वो एकादशी मानेंगे जो सूर्य को स्पर्श कर रही है, सूर्य का भोग कर रही है, वो उस दिन 10 बजे तक रहे, सुबह या 8:02 तक भी रहे, पूरे दिन ना रहे रात ना रहे, पर सूर्य उदय का यदि केवल स्पर्श कर रही है तो उसी तिथि को मान्यता देते हैं, वो उदया तिथि। अब इसमें झगड़ा नहीं होना चाहिए। यहां वो तो महाराज ने ऐसा कहा, अरे आपकी इच्छा है, अच्छा किया हमारे यहां पर भगवान ने, ठाकुर जी हमारे बड़े दयालु हैं, वो हम जैसे भक्तों को जानते हैं, भूल गया तो बोला कोई नहीं, आज भूल गए कल कर लेंगे, कल भी तो एकादशी है, ये भी तो विचार करो, ये भी तो चिंतन करो। एक स्मारता नाम एक वैष्णवा नाम। अब देखो धर्म एक श्रद्धा का विषय है, धर्म एक चिंतन का विषय है, धर्म केवल तर्क और कुतर्क पर नहीं चलता। बहुत पहले श्रद्धी ब्रह्मलीन अखंडानंद जी महाराज जी ने एक हरिद्वार के ऊपर एक चर्चा बोली रही होगी, वो बड़ी सुंदर थी कि कुछ लोगों ने कहा भैया इसका नाम हरिद्वार होना चाहिए, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं हरिद्वार नहीं, हरद्वार है, ये ना हरिद्वार है, कुछ ने कहा हरद्वार है, और है दोनों, बद्रीनाथ जाना है बद्री विशाल जाना है तो हरिद्वार आओगे, केदारनाथ जाना है कि बाबा केदार के दर्शन करना है तो हर के द्वार भी यहीं से जाओगे, ये हरिद्वार भी है, बोल दो। अब कोई झगड़ा कहे नहीं नहीं ये तो हरिद्वार ही है, हरिद्वार क्यों बोलते हो, ये तो हरिद्वार। बोलना भैया ये हरि का भी और हर का, ये हरि हर द्वार है, ये बाबा का भी बाबा विश्वनाथ। हाँ फिर वहां एक बात लिखी है कि आपस में विवाद तो हो ही गया, बात कोर्ट पहुंच गई तो कोर्ट वाले को आपको धर्म से क्या लेना देना, ये धर्म एक श्रद्धा का विषय होता है। उसने कहा ना इसका नाम हरिद्वार ना हरद्वार, हम कैसे सिद्ध माने, बोले हड्डियां डाली जाती हैं, लोग लेकर विसर्जित करते हैं, इसलिए उनने जजमेंट दे दिया कि इसका नाम रख लो हरद्वार। तो ये तर्क का विषय नहीं, ये श्रद्धा का विषय, ये शास्त्र का विषय, ये चिंतन का विषय, ये हमारी भावना हमारे अध्यात्म का विषय। आइए वृंदारोपणी, काशी में बाबा के कैलाश में श्रीमुखी ने जो आराधना करी, जो साधना करी, जो भजन किया, जो तप किया,
एक एक भजन का फल है, एक एक आराधना का फल। किया हुआ भजन कभी विनष्ट नहीं होता। बाबा महादेव की पवित्र काशी में, बाबा की दिव्य काशी में। और तीसरा जो वरदान मांगा था श्री मुखी ने, कहा था ये वरदान प्राप्त कर। कभी भी किसी भी वक्त किसी भी लोक में ये प्रविष्ट कर सके।